कांग्रेस जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाओं में कहा है। मेरी शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस को कर्नाटक जीत की बधाई, कांग्रेस को बधाई दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। मैं चाहूंगी समीर चौगांवकर जी आप भी कमेंट करें और राहुल जी आपके पास आऊंगी, पहले आप बताइए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के लिए बधाई दी है और अब जो बीजेपी के नेता हैं वो इंट्रोस्पेक्ट भी करेंगे कि आखिर कमी कहाँ रह गई, हार क्यों हुई इतनी बड़ी। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल कांग्रेस को जीतने के लिए बधाई दी थी, तो मुझे लग रहा है ये कटसी है और बड़े नेता का भी है कि बड़ा गुणे की बधाई देना चाहिए। अब जहां तक हार का प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पे मंथन करेगी कि उनकी हार क्यों हुई है। देखिए चुनाव के पहले बहुत तय था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नहीं है, जिस तरीके से 35 साल का ट्रेंड है कि सरकार रिपीट नहीं होती, एक तो वो कारण भी रहा और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री थे बसवराज बोम्बई, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में एक बहुत प्रभावशाली मुख्यमंत्री की भूमिका अदा करना। बता रहे हैं दर्शकों को, मैं रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा समीर जी आपको, ये हम ट्वीट दिखा रहे हैं दर्शकों को, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और बधाई दी है, कॉन्ग्रेचुलेशन किया है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की इस बड़ी जीत को लेकर बधाई दी है और ये भी कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जनता के लिए काम करेगी कांग्रेस। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है, जो यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी जीत हुई है उसको लेकर भी इस बात को लेकर इशारा किया गया है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह कर्नाटक में काम किया है उसको लेकर भी बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का और एक ये बड़ा जेस्चर है राहुल सर जो ये सामने आया है प्रधानमंत्री मोदी का और उन्होंने इस बात को लेकर इस बात को एड्रेस किया है कि कांग्रेस की ये जीत बड़ी है।